है एवरी वन, वेलकम बैक टू आर न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और हम छत पर आ गए हैं, शाम के बज रहे हैं 6। और ये देखो मौसम कैसा हो रहा है। और ये लड़की वो देखो, ये देखो इसको, इसका यो योहानी सिंह हो रहा है। मेरा फेवरेट सिंगर हुआ करता था यो योहानी सिंह। उसके बहुत अच्छे गाने लगते थे। जब मेरी शादी हुई थी ना तो मैं बहुत सुनती थी हनी सिंह के गाने। अभी देख रहा है अपनी दीदी को, परी गई है छत पे। आपको भी जाना है। और सनसेट का टाइम हो रहा है, बदली हो रही है, बादल छाए हैं। मौसम देखो कितना प्यारा हो रहा है। और आज बहुत अच्छी हवा चल रही है, तो मैं भी आ रही हूँ यहाँ पर घूमने छत पे। और ये देखो इस लड़के की मस्ती जो है शुरू हो गई है। यहाँ पे क्यों बैठे हो, क्यों बैठे हो? देखो जाकर हाथ मुंह धोना पड़ेगा, इसका हाथ पैर धोना पड़ेगा। खुश हो रहा है। हाँ देखो इस लड़की, आ जाओ बेटा, संभल के आओ, संभल के, संभल के आना। गाइस मैं अगर जीन्स मेरे पास है जीन्स, अगर मैं पहनूं तो क्या मैं कंफर्टेबल नहीं होती हूँ, वरना मैं पहन लेती। मुझे गर्मी ज्यादा लगती है। जेठालाल जी की इंग्लिश में बताओ, कैन आई टेक साइकिल टू भरिंग हवा इन एयर, कैन आई? बाय बाय मम्मा। जब हम सब लोग घूम रहे थे, मैं, परी और आंटी भी आई थी, लेकिन वो साइड में थी कैमरा में, मैंने उनको कैप्चर नहीं करा था। तो यहाँ पर ना पानी भरा था किसी ने, मुझे याद नहीं किसने भरा था, तो पानी इतना ज़्यादा फ्लो हो रहा था कि सारी छत पे फैले जा रहा था, तो बोल के मैंने बंद कराया था। और मैं इधर इशारा कर रही थी परी को कि इस तरफ खड़े होके कर लो, क्योंकि वो कह रही थी मम्मा पानी आ रहा है इधर से। तो छत हमारी सारी भीग जाती है ना, फिर सारी छत पे काई लग जाती है, तो धो लिया था हमने। छत वैसे तो हमारी नहीं है, लेकिन बिल्डिंग की है, आंटी की है ये, मतलब मोस्टली, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं कहती, सब यूज़ कर लेते हैं, सब घूम लेते हैं। किसी को अनाज धोना हो, मुझे जब भी दालें वगैरह सुखानी होती है, मैं छत पर ही चली जाती हूँ। बना रही हूँ यहाँ पर छोले, काले बनाए हैं आज मैंने, ब्राउन से। और इसमें है चावल, घर के ही चावल है हमारे, बहुत टेस्टी और बहुत खुशबू वाले बनते हैं ये हैं। और ये मैंने बनाया है आटा, बस हस्बैंड जी का लंच तैयार करने जा रही हूँ। और सुबह के बजे हैं 6:15, 6:10 हो गई है। अब मुझे जल्दी से लंच बनाना है, क्योंकि लंच बनाने के बाद फिर मैं नहाऊंगी, कान्हा जी को नहलाऊंगी और अपने बाकी के सारे काम करूंगी। अभी को अभी भी उसको ना स्टमक में ज़्यादा पेन है, क्योंकि वोमिट होने से उसकी मतलब पेट दुखने लग गया है उसका, इतनी वोमिट हुई है ना, इतनी उल्टियाँ करी है उसने बहुत ज़्यादा। और मेरा इतना माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब रहा है, पूरी रात जगी हूँ मैं उसके साथ, इसीलिए सुबह उठते ही बस पहले मैंने खाने की, लंच की तैयारी करी है, क्योंकि ये ऑफिस जाएंगे और उसके बाद मैं अपने बाकी के काम करूंगी। परी नहीं है घर पे, परी चली गई है नानी के घर। कोई बात नहीं, बच्चा है, उसका भी मन था कि मम्मा मुझे जाना है, तो मैंने सोचा कि चलो जाने देता है, कोई बात नहीं। तो इधर मेरे छोले जो है ऑलमोस्ट रेडी हैं, और इसमें चावल है, बस दम लगाना रहता है इनमें, ज़्यादा ना पानी चढ़ाना होता है ना ही सीटियाँ बजानी होती हैं। तो ये हो गया है, बस रोटी सेक के फिर मिलती हूँ आपसे।
वाली ड्रोन की सफाई। हाँ क्या हो गया परी? मत छीन बेटा, एक चीज दिखाती हूँ आप लोगों को। बस कर, ये देखो ये मेरी शादी का ब्लाउज है और कभी मैं ऐसी हुआ करती थी। मैंने यादगार के तौर पे इसको रखा हुआ है कि काश कभी वो दिन आए कि मैं इसमें फिट हो जाऊं। क्या वो आएगा कमेंट करके बताना। तो मेरा साइज है 26, मेरी कमर हुआ करती थी उस टाइम पे। तो मेरी है, ये देखो मेरा साइज है। कितनी पतली होती थी मैं। काश वापस से वो दिन आ जाए लाइफ में। नहीं तो जो चल रहा है, जो झेल रहे हैं, वो ना झेलना पड़े। ये वो वॉच है जो मैंने परी को दी थी। देखो कहाँ ऐसे ही फेंक देती है। बच्चों को ना कुछ भी गिफ्ट दे लो वैल्यू नहीं करते, और जब तक मैं इसको वैल्यू नहीं सिखाऊंगी ना, मैं दूंगी नहीं चीज़ों। क्योंकि कभी कभी क्या, हर रोज़ का ही ऐसा काम मेरा हो जाता है कि डेली के काम ही मेरे इतने हो जाते हैं अभी के साथ, क्योंकि अब अभी की तबीयत भी ख़राब चल रही है। आज उसको अच्छा लग रहा है तो वो घूम रहा है, और जब वो ऐसे घूमता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो आज मुझे टाइम मिला था कि मैं ये ड्रॉर को ठीक कर लूँ, क्योंकि मेरा बहुत सारा सामान ना, मेकअप का, कुछ ज्वेलरीज, मतलब इयर रिंग वगैरह, गले की माला, मंगलसूत्र, कुछ भी मुझे नहीं पा रहा था। सो ऐसा होता है ना कि जैसे अभी आता है तो मैं कोई चीज़ उससे ले लेती हूँ कि वो खो देता है, तो उठाकर रख लेती हूँ, और फिर ना मैं भूल जाती हूँ कि मैंने ये चीज़ कहाँ रख दी। तो मैं यहाँ पर वही सोच रही हूँ, और ये मेरे पुराने मंगलसूत्र की कोई चेन है जो मुझे आज मिली है, क्योंकि सामान ना बच्चे की वजह से इधर उधर रखनी पड़ती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ कहीं और पड़ी मिलती है, क्योंकि अभी ना सारी चीज़ें, ड्रेसिंग की सारी चीज़ें मोस्टली नीचे गिराता रहता है, उसको पता नहीं क्या मजा आता है, वो ज़रूर गिराता है। और अभी देखो देखो मेरे आसपास ही घूम रहा है, लेकिन मुझे ठीक है कि ये अच्छा है ना, ठीक है, फील कर रहा है अच्छा, तो मैं इसको देखकर खुश रहती हूँ और करने भी देती हूँ, जो भी ये करता है ना करने भी देती हूँ। हाँ थोड़ा सा ज़िद्दी बच्चे ऐसे हो जाते हैं इस तरीके से, उनको थोड़ा सा फ्रीडम छोड़ने से, लेकिन अभी एज ही क्या है गाइस, तो मैं सोचती हूँ कि कर रहा है जो करने दो। सो अभी मैं क्लीन कर लूँगी अब अपनी आज। ये हैं गाइस मेरे झुमके जो मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किए थे वैलेंटाइंस डे पर। वो वैलेंटाइंस डे हमने अपने मायके में एक साथ सेलिब्रेट किया था। मोस्टली कोई भी चीज़ अगर मैं यूज़ नहीं करती तो किसी को दे देती हूँ, लेकिन ये मैंने आज तक किसी को नहीं दिए हैं, और इनको वक्त वक्त में पहनती भी रहती हूँ, बहुत सुंदर लगते हैं। और ये जब मैं वृंदावन गई थी तो वहाँ से लाई थी कृष्ण और राधे। तो ये हैं वो, और इनको साफ करके रखते हैं, तिलक में काम आएंगे। मोस्ट अलमारी मैंने खाली कर ली है, ये ड्रॉअर मैंने खाली कर लिया है, और इधर रखा है यहाँ पर सारा सामान मेरा।
देखो अब इसमें से जो भी सामान मुझे रखना है वो मैं रख लूंगी, और जो नहीं रखना है उसको निकाल दूंगी, डिस्कार्ड कर दूंगी। बेवजह कूड़ा कचरा भरना मुझे नहीं पसंद है, धीरे धीरे सारी चीजें निकाल रही हूँ। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ इस व्लॉग को रोकती हूँ मैं यहीं पे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड राधे राधे, जय श्री कृष्णा।